वो भरे एयरपोर्ट पर अपनी मंजिल तक जाने के लिए अपने फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी दो महिला आती हैं और उसके इस इंतजार को जिंदगी का आखिरी इंतजार बना देती हैं, वो भी इतने शातिर तरीके से जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। लेकिन यह मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि दुनिया के सामने जंगल में लगी आग की तरह यह खबर फैल गई, क्योंकि यह मामला जुड़ा था सिरफिरे तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई से। मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोपी महिला से पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं, और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इतनी मामूली सी रकम के लिए इतने बड़े शख्स की हत्या कैसे कर सकता है। आखिर क्या है वो खुलासा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। किम जोंग नाम की हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मजाक मजाक में हुई थी नाम की हत्या। दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल से की गई थी। सिर्फ रहता ना शाह किम जोंग उनके भाई का मर्डर। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में हुआ सनसनीखेज खुलासा। महज 6,000 रुपए के लिए की गई नाम की हत्या। जी हां, ये भले ही आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये 100% सच है, क्योंकि ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद आरोपी महिला ने स्वीकारा है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस हत्याकांड को मजाक मजाक में ही अंजाम दिया गया। आखिर कौन है ये महिला और कैसे एक सिर्फ अरे तानाशाह के भाई को मजाक मजाक में मौत के घाट उतार दिया, ये आपको बताएंगे। इससे पहले देखिए ये वीडियो। दरअसल वीडियो में आप जिस दो महिला को किम जोंग नाम के चेहरे पर केमिकल लगाते हुए देख रहे हैं उसमें शामिल एक महिला ये भी। नाम है सिति आइसिया, उम्र 25 साल, राष्ट्रीयता है इंडोनेशिया की। इन पे आरोप किम जोंग नाम की हत्या में शामिल होना। सिति आइसिया को इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के आरोप में महज 48 घंटे के भीतर उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो इस घटना के बाद से अपने मुल्क वापस जाने की फिराक में लगी थी, और जब मलेशिया स्थित इंडोनेशियाई दूतावास के अधिकारियों ने आइसिया से पूछताछ की तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। मलेशिया में इंडोनेशिया के डिप्टी एम्बेसडर एंड्रियानो अरविन के मुताबिक महिला का कहना है कि उन्हें इसके लिए सिर्फ $90 यानी करीब 6,000 रुपए दिए गए थे, और इस काम को पूरा करने के पीछे की मत के बारे में बताया गया था कि उसे एक टीवी पर दिखाए जाने वाले एक मजाकिया शो में हिस्सा लेना है, जिसके लिए सिति आइसिया से किम जोंग नाम के चेहरे पर बेबी ऑयल जैसा कोई लिक्विड मलने को कहा गया था। आरोपी सिति ने हमसे बताया कि कुछ लोगों ने उससे ऐसा करने को कहा था, वो लोग देखने में जापानी या कोरियाई लगते थे। खैर, भले ही सिति आइसिया अपने आप को इस हमले में धोखे से शामिल करने की बात अधिकारियों से कही हो, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि सिति और उनके दो अन्य महिला साथियों को अच्छी तरह से पता था कि वो क्या करने जा रही है। बता दें कि बीते 13 फरवरी को उत्तर कोरिया के सिरफिरे तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई
किम जोंग नाम की मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर दो महिलाओं ने हत्या कर दी थी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में अब तक दोनों आरोपी महिला समेत 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि अभी भी कई और अन्य विदेशी नागरिकों की तलाश जारी है, जिसे इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। दुनिया के सियासी गलियारों में इस वक्त इस खौफनाक हत्याकांड पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहां वर्ल्ड लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हो, वहां किसी की इस तरह से हत्या हो जाए, वाकई चौंकाने वाला है। आखिर कैसे भीड़ के बीच शातिराना तरीके से इस हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया गया था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूरी हुई सबसे बड़े जल्लाद की मुंह मांगी मुराद। महज 2.5 सेकेंड में ही करवा डाला भाई का काम तमाम। एक सन की तानाशाह कातिलाना सनक हुई पूरी। भाई को मरवा कर अपनी सनक को दिया खौफनाक अंजाम। एक सन की तानाशाह का सौतेला कत्ल। जी हां, जब किसी इंसान पर खौफनाक सनक सवार होता है तो उसे पूरा करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, ये जानना हो तो पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। वीडियो में दिख रहे लोगों के चेहरे भले ही आपको साफ न दिखाई दे रहे हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो किसी को उसकी जिंदगी की आखिरी सफर तक पहुंचाने के लिए इस भीड़ में शामिल हुए हैं। एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्च पर अपनी फ्लाइट का इंतजार करते तमाम लोगों के साथ ये शख्स हैं। मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे बड़े सन की तानाशाह किम जोंग उन का सौतेला भाई किम जोंग नाम। बीते दिनों जापान के एक टीवी चैनल पर जारी सीसीटीवी फुटेज में किम जोंग नाम पर कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर जानलेवा हमला करने की तस्वीरें हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हवाई अड्डे पर जीन्स और टी शर्ट पहनी दो महिलाएं आती हैं और महज 2.5 सेकेंड में किम जोंग नाम के मुंह पर जहरीला स्प्रे छिड़क कर फरार हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में सफेद कमीज पहनी एक महिला किम जोंग के चेहरे पर अपने दोनों हाथों से झपटती नजर आ रही है और उसी वक्त एक दूसरी महिला भी उसके पास से विपरीत दिशा में चलती दिखाई दे रही है। और इधर किम जोंग नाम अचानक हुए इस हमले से हैरान रह गया है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वहां के सुरक्षा कर्मियों और इमरजेंसी सेवा को दी। फुटेज में दिख रहा है कि वो सुरक्षा कर्मियों को इस बारे में बता रहे हैं, जिसके बाद उन्हें तत्काल मेडिकल हेल्प के लिए ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। घटना के बाद जब सीसीटीवी का वीडियो खंगाला गया तो इंडोनेशिया मूल की स्थिति आईसिया और वियतनाम की रहने वाली 28 वर्षीय दुआन थी योंग को इस खौफनाक हत्याकांड में शामिल पाया गया। वीडियो में साफ देखा गया कि इन्हीं दोनों महिलाओं में से एक ने किम जोंग नाम के चेहरे पर जहरीला स्प्रे छिड़का और दूसरी ने नाम के गर्दन पर जहरीली सुई चुभोई। आखिर इन महिलाओं ने किम जोंग नाम के चेहरे पर किस केमिकल का छिड़काव किया था, इस बारे में रिपोर्ट कहती है कि जोंग नाम को जिस केमिकल स्प्रे से मारा गया है वो है वीएक्स नर्व एजेंट। दरअसल वीएक्स नर्व एजेंट एक ऐसा रासायनिक हथियार है जिसके संपर्क में आने भर से ही किसी की जान जा सकती है। ये एक साफ और अंबर रंग का तैलीय तरल पदार्थ होता है, साथ ही रंगहीन और गंधहीन भी होता है। इसे दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक नर्व एजेंट माना जाता है। पूरी दुनिया में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। रिसर्च के सिवा कहीं भी इसका प्रयोग प्रतिबंधित है।
वीएक्स नर्म एजेंट को संयुक्त राष्ट्र ने सामूहिक हत्या करने वाला रासायनिक हथियार बताया है। वहीं मलेशिया के पुलिस प्रमुख खालिद अबू बकर के मुताबिक पुलिस फिलहाल इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि वीएक्स को मलेशिया में बाहर से लाया गया था या फिर यहीं बनाया गया था। बता दें कि कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर बीते 13 फरवरी को किम जोंग नाम की हुई हत्या के बाद अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने जोंग नाम के चेहरे पर लार और आंखों में वीएक्स के अंश मिले होने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार न्यूज। और आइए अब आपको वो बातें बताते हैं किम जोंग उन की, जिससे उसके सनकीपन और दरिंदगी का पता चलता है। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह शासक के सौतेले भाई की हत्या से एक और जहां दुनिया भर में कई तरह की बहस छिड़ गई है, तो वहीं इस हत्याकांड में शक की सुई भी किम जोंग उनकी तरफ ही घूम रही है। हालांकि इसकी गवाही बीते सालों में हुई कुछ घटनाक्रम भी दे रहे हैं। आखिर क्या है वो घटनाएं जिससे यह अंदेशा जताया जाने लगा है कि किम जोंग उन ने ही अपने भाई की हत्या करवाई है, ये रिपोर्ट देखिए। किसके इशारे पर हुई सन की तानाशाह के भाई की हत्या? किम जोंग नाम था सन की तानाशाह का सौतेला भाई। क्या किम जोंग उन ने करवाई अपने भाई की हत्या? अपने जल्लादी सनक के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के भाई किम जोंग नाम की हत्या के मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे हुई पूछताछ में कई राज निकलकर सामने आए हैं, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि इस हाई प्रोफाइल हत्या की गुत्थी सुलझाई जा सकती है। आखिर कौन है ये दोनों महिलाएं? इन दोनों महिलाओं की क्या थी जोंग नाम से दुश्मनी? एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की सिटी आइसिया और वियतनाम की दुआन थी ह्योंग ही वो महिला है जिसने किम जोंग नाम के चेहरे पर वीएक्स नर्व एजेंट केमिकल छिड़क कर उसकी हत्या की है। इन दोनों महिलाओं को किम जोंग नाम को मौत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण कोरिया के टीवी चैनलों के मुताबिक ये दोनों महिला उत्तर कोरिया की खुफिया एजेंसी के एजेंट हैं, जिसने जोंग नाम की हत्या को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों महिला उत्तर कोरिया के खुफिया एजेंसी दारेकन्यासा जनरल ब्यूरो में काम करती हैं, जिससे इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि किम जोंग नाम की हत्या के लिए उत्तर कोरिया से ही दस्ता भेजा गया था। इधर कुछ पुराने घटनाक्रम पर नजर डाले तो पता चलता है ये कोई पहला मौका नहीं है जब जोंग नाम की हत्या की कोशिशें की गई हो। इससे पहले भी 2012 में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के एक जासूस को गिरफ्तार किया था। उस जासूस ने 2010 में किम जोंग नाम को चीन में सड़क हादसे में मारने की कोशिश की थी। बता दें कि किम जोंग नाम उत्तर कोरिया के पूर्व शासक किम जोंग इल का सबसे बड़ा बेटा था, और इस संबंध में बताया जाता है कि किम जोंग नाम की माँ सोंग हे रिम किम जोंग इल की लिव इन पार्टनर थी, और बड़ा बेटा होने की वजह से किम जोंग नाम एक समय उसे पिता का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन 2001 में फर्जी पासपोर्ट के सहारे जापान के डिज्नी वर्ल्ड तक पहुंचने की नाकाम कोशिश के चलते उसने पिता को नाराज कर दिया, और उस घटना के बाद से वो निर्वासित जिंदगी गुजारने लगा। उसका ज्यादातर वक्त चीन के मकाओ में बीता था। इस घटना के ठीक 10 साल बाद यानी 2011 में किम जोंग इल की मौत हो गई, और इसके बाद उत्तर कोरिया की सत्ता किम जोंग उन को मिल गई। बताया जाता है कि जोंग नाम शासन व्यवस्था में सुधारों की वकालत करता था, जिसका जिक्र उन्होंने एक बार जापानी अखबार से बातचीत करते हुए भी किया था, जिसमें जोंग नाम ने कहा था कि वो देश में वंशवादी सत्ता का विरोध करता है, और इसी वजह से नए शासक ने सुधारों की वकालत करने वाले अपने सौतेले भाई जोंग नाम को शुरू से ही निशाने पर रखा। साथ ये भी कहा जाता है किम जोंग उन उसे अपनी कुर्सी के लिए सबसे बड़े खतरे की तरह देखता था। ऐसे में अगर ये साफ होता है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक या यूं कहें कि जल्लाद किम जोंग उन ने अपने भाई की हत्या करवाई है, तो उसकी ओर से अपने रिश्तेदार की हत्या करवाने का यह दूसरा मामला होगा। उल्लेखनीय है
21 से पहले दिसंबर 2013 में उसने अपने चाचा जांग सोंग थायक को मरवा दिया था। इतना ही नहीं, सन की तानाशाह किम जोंग उन के दरिंदगी और वैशीपन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने चाचा जांग सोंग थायक को बेरहमी से मरवाने के बाद उसके शरीर को 120 भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया था। बताया जाता है कि इससे पहले उत्तर कोरिया में ऐसी खौफनाक सजा कभी किसी को भी नहीं दी गई थी। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस चाचा को सन की तानाशाह ने मरवा दिया था, उसी ने किम जोंग उन को सियासत की बारीकियां सिखाई थी। लेकिन किम जोंग उन को लगने लगा था कि चाचा का कद उससे बड़ा हो रहा है, इसलिए उन्हें कुत्तों को खिला दिया। इतना ही नहीं, उसके वैशी सनकपन का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि जिस तरह से जोंग उन ने अपने अंकल जोंग सोंग थायक को ठिकाने लगाया था, उसी तरह उनकी पत्नी और अपनी चाची क्योंग को भी सजाए मौत दी थी, क्योंकि उसने अपने पति सोंग थायक की मौत पर किम जोंग पर सवाल खड़ा कर दिया था। वो किम की खिलाफत करने लगी थी, जो इस दरिंदे तानाशाह को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और अपनी चाची को भी मारने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद उसे जहर देकर मार दिया गया। बताया जाता है कि किम जोंग नाम अपने चाचा जांग सोंग थायक का करीबी था। इधर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में साउथ कोरिया ने वार्निंग दी थी कि किम जोंग उन अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्या करवाने की फिराक में है, और ये दावा साउथ कोरिया ने 2012 में नॉर्थ कोरिया के एक जासूस की गिरफ्तारी के बाद उससे हुई पूछताछ के आधार पर किया था, जिसने पूछताछ में माना था कि उसने चीन में जोंग नाम को एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस खूनी वारदात को अंजाम देने में वो असफल रहा था। हालांकि किम जोंग नाम की हत्या के पीछे नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग उन की ओर से किसी भी तरह की साजिश से साफ इनकार किया है। बता दें कि किम जोंग उन उत्तर कोरिया का एक ऐसा तानाशाह शासक है जिसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी क्रूरता का एक किस्सा खोजेंगे तो आपको दसियों मिल जाएंगे। वो एक ऐसा तानाशाह है जो किसी पर रहम नहीं करता। किसी को मौत की सजा देना मानो उसके लिए मजाक है। उसके सामने जुबान खोलना सख्त मनाही है। इसका खौफ उत्तर कोरिया के हर नागरिक के दिल में हमेशा बना रहता है। ऐसे में किम जोंग नाम की हत्या का ठीकरा भी अगर सन की तानाशाह या यूं कहें कि किम जोंग उनके ऊपर फूटता है, तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले भी उत्तर कोरियाई नेतृत्व अपनी आलोचना करने वालों को कुचलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार।